हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको यहाँ पे देख सकते हो जो कि हमारे पास एक थ्री फेस का दोस्तों समर्सिबल रखा हुआ है। सो इसको दोस्तों आज हम वाइंडिंग करेंगे एंड आपको वाइंडिंग करके दिखाएंगे किस टाइप से दोस्तों थ्री फेस का मोटर थ्री फेस थ्री एचपी का मोटर वाइंडिंग होता है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो जो कि इसके अंदर जितना भी पुराना वायर था ना, सब कुछ हमने दोस्तों बाहर निकाल दिया हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो जो कि इसके अंदर सिर्फ खाली दिख रहा होगा आपको। इसके अंदर दोस्तों जितना भी वायर वगैरह था सब बाहर निकाल दिया हूँ। मैं आपको बताऊँगा इसका डाटा वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कोर का अंदर का जो कि व्यू। तो अभी दोस्तों इसके अंदर जो कि हमने कटिंग कर दी, थोड़ा डाटा का इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आगे जो कि इसको वाइंडिंग करना चालू करेंगे। सो इसके अंदर दोस्तों जो कि डाटा निकला था, इसके अंदर जो कि पिच था 10 12 12 10, इस टाइप का जो कि हर थ्री फेस के मोटर के अंदर यही पिच आता है। इसको वाइंडिंग करने दोस्तों अलग टाइप का आपको फार्मा जो कि परचेस करना पड़ेगा, जो कि हमारे पास है, हम आपको दिखाएंगे। बहुत ही सस्ता है फार्मा का प्राइस, ठीक है। तो अभी दोस्तों इसके अंदर जो कि बात करते हैं कुछ इसका डाटा इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो इसके अंदर दोस्तों जो कि वायर निकला था, मैं आपको थोड़ा हमारे नोटबुक के वहाँ पे लिख के रखा हूँ, वहीं पे लेके दिखाऊंगा तो आपको बेटर समझ में आएगा। आप चाहे तो उसको स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हो, यहीं से मैं बोल दूंगा तो आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो चलिए इसको भी हम लेके चलते हैं हमारे टेबल के अंदर, वहीं पे जो कि बैठ के इसको वाइंडिंग करना चालू करेंगे। सो ये रहा दोस्तों हमारा मोटर, इसका जो कि डाटा इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ। कुछ दिन पहले दोस्तों मैं एक जो कि इसका जो वायरिंग का डायग्राम का एक वीडियो बनाया हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो। जो कि 1 HP जो टाइटल का नेम है 1 HP स्टटर बॉक्स फुल वायरिंग, ठीक है। यहाँ पे जो कि वोल्ट मीटर वगैरह सब कुछ रखा हुआ है इसका, जो कि मैं अलग से एक वीडियो बना के आपको दे दिया हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों इसका जो कि डाटा यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हो 3 HP थ्री फेस समर्सिबल मोटर डाटा। तो इसके अंदर दोस्तों जो कि 24 लोड है एंड जो कोर का लेंथ है दोस्तों जो कि 240 mm है, जो कि जो इसका कोर का जो लेंथ है ना वो जो कि 240 mm है। एंड यहाँ पे दोस्तों पिच जो कि हर कॉइल का सेम ही है, जैसे 10 12 10 12 10 12, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों जो कि टर्न जो कि 31 टर्न एंड 32 टर्न, सब में 31 टर्न डाल सकते हो, बट 31 एंड 32 जो मिक्स मिला है तो मिक्स ही इसके अंदर डालेंगे। 31 32 32 31 ऐसे जो कि टर्न मिला है वही हम डालेंगे। एंड यहाँ पे दोस्तों SW जो कि 0.9 नंबर है, यानी जो कि हमारा 20 नंबर वायर। एंड कॉयल का वेट दोस्तों जो कि 680 है। एंड यहाँ पे दोस्तों जो कि इसका कॉयल का जो कि लेंथ है, जो छोटा वाला कॉयल दोस्तों 32 इंच आएगा, बड़ा वाला जो कि 30 इंच, एंड उससे बड़ा वाला जो कि 30 इंच, एंड उससे जो कि छोटा वाला 32 इंच। तो इसके लिए दोस्तों एक अलग से फर्मा आता है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ जो कि इसका फर्मा हमारे पास भी अवेलेबल है। सो यहीं पे रखा हुआ है। इसके अंदर मेरा बहुत दिन पहले, मतलब कुछ ज़्यादा दिन हो गया समर्सिबल मोटर वाइंडिंग नहीं किया हुआ, एंड वीडियो चैनल पर भी वीडियो नहीं है। तो ये देख सकते हो दोस्तों उसका फर्मा, तो कुछ इस टाइप का जो कि इसके अंदर फर्मा रहता है, एकदम नया है, जो कि नया है लिया हूँ। इसके अंदर इसका प्राइस दोस्तों आई थिंक 150 या फिर हाइस्ट जो कि 200 में है, इसको परचेस किया हूँ। इस टाइप का दोस्तों दो रहता है, तो और एक भी है इस यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये रहा इसके साथ दोस्तों नट बोल्ट, जैसे कि अटैच नहीं रहता है, आपको एक्स्ट्रा जो कि लगवाना पड़ेगा। तो चलिए इसको जो कि अभी हम सेटअप करेंगे हमारा जो कि कॉयल वाइंडिंग मशीन के अंदर। तो ये रहा हमारा कॉयल वाइंडिंग मशीन, इसके अंदर सेट करेंगे। ये वाला फर्म है, वैसे खोलने की आवश्यकता नहीं है, यदि पड़ेगा तो हम खोल देंगे, ठीक है। तो अभी हम दोस्तों इसको जो कि सेटअप यहीं से यहाँ पे इसको फिटिंग कर देंगे। तो चलिए हम इसको अभी फिटिंग करते हैं, उसके बाद दोस्तों 0.9 नंबर वायर यूज़ करेंगे यहाँ पे जो कि हमारा रखा हुआ है। सो यहाँ पे देख सकते हो 0.9 10 kg है। अभी आज से पहले जो कि इसको यूज़ भी नहीं किया हूँ 0.9 का, ठीक है। तो अभी हम इसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं 0.9 का। तो चलिए इसको भी हम वाइंडिंग करना चालू करते हैं, ठीक है। इससे पहले जो कि हम दोस्तों बहुत अदर्स मोटर वाइंडिंग किया हूँ, लेकिन 0.9 का वाइंडिंग नहीं किया, इसलिए वो वाला एकदम नया ही है हमारे पास। तो चलिए अभी हम दोस्तों कॉयल फार्मा को सेट करते हैं एंड कॉयल बनाना चालू करते हैं। अभी हम दोस्तों इसका कॉयल का जो कि मतलब फार्मा को सेटअप कर दिया हूँ, कॉयल का जो कि लेंथ रखा हूँ, छोटा वाला कॉयल आएगा आपका 32 इंच एंड बड़ा वाला जो कि 35 इंच। यहाँ पे दोस्तों देख दो फार्मा का जो कि एक छोटा, एक दो बड़ा और एक छोटा, जो कि स्पेशल समर्सिबल के लिए फार्मा ही यूज होता है। तो हम दोस्तों वहाँ से जो कि समर्सिबल वायर नीचे रखा हूँ यहाँ पे देख सकते हो। सो इसको पैकेजिंग जो कि नया है इसको खोल दिया हूँ। इसके अंदर दोस्तों जो कि 0.9 नंबर का वायर इंसुल मैक्स कंपनी का है। तो अभी हम दोस्तों इसके थ्रू जो कि यहाँ पे अभी हम कॉयल बनाएंगे, तो फटाफट कॉयल बनाएंगे, एकदम इजीली फटाफट बन जाएगा। तो चलिए इसको हम खोलते हैं, कटिंग करते हैं, मतलब जो कि धागा से बांधा हुआ रहता है कुछ इस टाइप से पैकेजिंग में आता है। तो अभी हम दोस्तों इसको खोलेंगे, खोलने के बाद इसको लिपटाएंगे। तो सबसे पहले छोटा वाला कॉयल, मतलब जो कि हम अंदर वाला जो पर्सन है ना वहाँ से जो कि शुरू करेंगे। तो चलिए जो कि हम ये दोस्तों वायर ले लिया हूँ अभी हम हाथ में, इसको दोस्तों अभी हम क्या करें, सबसे पहले लिपटाएंगे जो कि इसके डंटी के साथ, उसके बाद दोस्तों इसको घुमाएंगे, ठीक है, फटाफट जो कि घुमाएंगे एक दो करते हुए।
सबसे पहले जो कि ये दोस्तों सबसे पहले जो कि छोटा कॉइल जो कि 10 वाला पिच में आएगा वो दोस्तों 32 जो कि हमें टर्न देना है। उसका दोस्तों बड़ा वाला जो कि 112 वाला पिच में आएगा वो वाला दोस्तों 32 टर्न ही देना है। उसका तीसरा कॉइल को दोस्तों वो भी 32 टर्न देना है और चौथा में जो कि वो भी 32, मतलब चारों को सेम ही सेम टर्न आएगा। बस कॉइल का लेंथ थोड़ा छोटा है, उसके बाद थोड़ा बड़ा है, उसके बाद थोड़ा बड़ा है, उसके बाद छोटा है, मतलब इस टाइप का जो कि मतलब जो कि फार्मा है इस टाइप से जो कि कॉइल बनेगा एंड बनता है। तो दोस्तों जो कि फटाफट जो कि चारों कॉइल को बना के कंप्लीट कर देते हैं एंड उसका दोस्तों इसको इंस्टॉल करना चालू करेंगे। इसके अंदर दोस्तों थ्री फेस यानी तीन सेट ऐसे बनेगा, जैसे कि अभी एक सेट बन रहा है, उसके बाद दो, उसके बाद तीन सेट से बनाना है, तो मैं आपको एक सेट बनाकर ही दिखा दिया हूं। अभी दोस्तों इसको हम वाइंडिंग कर मतलब डालना चालू करेंगे। तो सबसे पहले सेफ्टी पेपर हम थोड़ा इसके हिसाब से कटिंग कर लिया हूं। कटिंग करने से दोस्तों कौन सा भी गड्ढे के अंदर एक मतलब एक स्लॉट के अंदर एक डाल दीजिए इसे। उसके बाद दोस्तों आपको काउंटिंग करना है 1 से 10 वाला पिच। आप लेफ्ट साइड या राइट साइड दोनों में से कौन सा साइड से भी काउंटिंग कर सकते हो। हम जो कि ज़्यादा लेफ्ट साइड से जो कि काउंटिंग करते हैं तो हमारा जो कि बढ़िया रहता है। तो हम दोस्तों इसको काउंटिंग कर रहे हैं, जो जैसे कि 1 से 10 वाला पिच इसमें आ रहा है तो यहीं पे हम जो कि मतलब दूसरा सेफ्टी पेपर डालेंगे। तो हम दोस्तों ये जो गड्ढा है दोनों गड्ढे के अंदर दोस्तों हमें सबसे पहले छोटा कॉइल इसके अंदर डालना है। हैंड कॉइल डालते समय दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान देना है, आपका जो कि स्टार्टिंग वाला जो वायर है ना लीड वो दोस्तों लेफ्ट हैंड की तरफ रहना चाहिए। यदि आप राइट हैंड की तरफ रख रहे हो तो तब भी ठीक है, बट दोस्तों सब वाला वायर जो कि राइट हैंड की तरफ आपको रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों जो कि हम कॉइल को थोड़ा इसे चिपटा करके मतलब थोड़ा फिनिशिंग कर लेना है। उसका दोनों को जो मतलब दोनों को जो पेपर डाला हो ना सेफ्टी वायर, इसको तो थोड़ा इसे फाका करना है। फाका करने का दोस्तों ऐसे आपको इसको प्रेस करना है, मतलब कि धकेलना है, तो ये दोस्तों ईजिली चला जाएगा। एंड समरसल मोटर के अंदर दोस्तों जो कि वाइंडिंग करना उतना भी मुश्किल नहीं होता, बट दोस्तों को थोड़ा सेफ्टी पेपर का यूज़ करना पड़ेगा, थोड़ा सेफ्टीली काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों जिससे हम इसको धक्का मार रहे हैं तो जो कि अपने जगह पे इजीली चला जा रहा है। एंड जाने का दोस्तों जो कि थोड़ा हुआ तो वायर ऊपर भी रह जाता है, उसको दोस्तों जो बांस का लकड़ी है उसकी मदद से जो कि इसको हम मतलब जो कि धक्का लगा के मतलब डालेंगे। तो सबसे दोस्तों हम जो कि इसको थोड़ा डालते हैं उसके बाद हाथ के मदद से खींच के उस साइड ले लेते जितना हमें ज़रूरत है, मतलब कॉइल जो कि जितना जाएगा उस हिसाब से उसको ले लेते। लेने का दोस्तों जो कि कुछ वायर जो कि पेपर से ऊपर भी रह जाता है उसको दोस्तों बांस का ऐसे लंबा लकड़ी ले लेना है। उसका दोस्तों इसको सबसे ऐसे दबाना है गड्ढे के अंदर, ऐसे कोई दोस्तों वैसे वायर के ऊपर ऐसे चोट नहीं आएगा क्योंकि हम यहाँ पे सेफ्टी पेपर यूज़ करें। तो जैसे कि सब वायर आ चुका है गड्ढे के अंदर तो आपको जो कि सेफ्टी पेपर को खींच के बाहर निकाल लेना है। निकालने के बाद दोस्तों इसके अंदर जो कि आप पैकिंग पेपर लगाइए, उसके बाद इसके अंदर एक जो कि ब्लैक कलर का जो कि मतलब जो कि स्टिक आता है जो कि मार्केट में भी मिल जाता है, एंड जो पुराना वाला स्टिक है उसको भी आप चाहे तो रीयूज़ कर सकते हो यदि वो टूटा फूटा नहीं है तो। तो उसका दोस्तों इसके अंदर पैकिंग पेपर लगा रहे हैं क्योंकि कंपनी नहीं लगाते हैं, बट हम यूज़ कर रहे हैं। यदि किसी में दिक्कत आएगा जो बोला गड्ढे के अंदर तो उसमें हम नहीं डालेंगे। तो सबसे पहले पैकिंग पेपर डालने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे जो कि लकड़ी को यूज़ कर रहे हैं मतलब डाल रहे, तो एक साइड दोस्तों हमने डाल दिया, वहाँ दूसरे साइड जो कि यहाँ पे थोड़ा बहुत जो कि वायर ऊपर फंसा हुआ था तो उसको भी दोस्तों जो कि देख सको जो लकड़ी की मदद से ऐसे सेफली मतलब जो कि आसानी से हम कर रहे हैं, देख सकते हो बहुत ही आसानी से हो जाता है। एंड इसके अंदर दोस्तों जैसे कि वाइंडिंग का जो वायर टोटल 2 किलो वायर लगता है, तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि हम इसके अंदर डाल रहे तो एकदम आसानी से हो जाएगा। तो अभी आप दोस्तों एक काम करना, जैसे कि कॉइल डालने से पहले आपको कॉइल को थोड़ा चेक कर लेना है कॉइल आपका सही है या फिर ख़राब है, कभी कभी जो कि कॉइल ख़राब भी निकलता है। तो जैसे कि हम जो कि इसके अंदर जो कॉइल है ना इसको डाल दिया हूँ, सेफ्टी पेपर को भी बाहर निकाल दिया हूँ। निकालने के बाद दोस्तों इसके अंदर जो कि पैकिंग पेपर लगाएंगे एंड उसके बाद जो कि इसके अंदर स्टिक जो लकड़ी मिलता है उसको हम इसके अंदर डालेंगे। तो सिंपल सा जो कि इसके अंदर पेपर डालते हैं उसका जो कि इसके अंदर एक लकड़ी जो कि लंबा सा इसके अंदर पुराना वाला निकाला था उसको इसके अंदर डाल देंगे। एंड वायर दोस्तों बहुत ही कम है जो कि डालने में वाइंडिंग करने में बहुत ही ज़्यादा हमें हेल्पफुल होगा क्योंकि वायर जो कि कम है इसके अंदर एंड गड्ढा थोड़ा बड़ा है। एंड हर समरसेबल मोटर के अंदर दोस्तों ऐसे ही होता है, मैं देखा हूँ जितना भी वाटर फील्ड मोटर है सबके अंदर जैसे ऐसे ही गड्ढा फाँका रहता है। तो फाका देने का बहुत ही थैंक यू क्योंकि फाका रहता है तो हमें वाइंडिंग करने में मदद होता है। तो यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट जो कि यहाँ से आपको गिन लेना है 112 पीच, इसके बगल वाला जो स्लॉट है ना इसके अंदर ही आपको 112 पीच आ जाएगा। जिस साइड से जैसे हम गिने थे सबसे पहले उसी साइड से आपको गिन लेना है, जैसे कि 112 पीच आ गया उसके अंदर दोस्तों सेफ्टी वेयर ऐसे आपको डाल देना है। तो डालने का दोस्तों अभी नेक्स्ट कॉल आएगा, नेक्स्ट कॉल दोस्तों हम ऑलरेडी डाल दिया हूँ यहाँ पे देख सो। एंड डालने से पहले दोस्तों आपको एक चीज़ ये भी ध्यान देना पड़ेगा जो कि आपका सबसे पहले जो कि स्टार्टिंग वाला वायर लेफ्ट हैंड की तरफ आप डाले हो तो एंडिंग वाला जो कि राइट हैंड की तरफ निकलेगा, वो एंडिंग वाला वायर को दोस्तों आपको जो कि घुमा के लेफ्ट हैंड की तरफ आएगा। तो हम नेक्स्ट में जो कि हम आपको समझाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जो जितने भी मतलब वायर जो कि ऊपर फंसा हुआ है तो इस टाइप से लकड़ी की मदद से आपको दबाना है तो इजीली हो जाता है दोस्तों। बस थोड़ा आपको मतलब एक के ऊपर एक लपेटना नहीं चाहिए वायर,
यदि एक के ऊपर एक चढ़ गया वायर या फिर लिपट गया यानी टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो आपको जो कि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत क्रिएट करता है। तो हमने जो कि सेफ्टी वायर बाहर निकालो, एक दो वायर जो कि ऊपर फंसा हुआ है अब इलेक्ट्रिक में से इसको डाल दिया हूँ। अब इसके अंदर जो कि हम जो पेपिंग पैकिंग पेपर डालेंगे, डालने का जो कि स्टिक डाल देंगे तो एक साइड जो कि हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वाला समर्सिबल मोटर वाइंडिंग करना है दोस्तों हमें जो कि लगभग लग गया है डेढ़ दिन, यानी एक दिन और एक हाफ वाला, मतलब जो कि डेढ़ दिन लग गया, जो कि इसको हम वीडियो में दोस्तों आपको सिर्फ आधा घंटे के अंदर आपको दिखा रहे हैं एंड समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें दोस्तों जो कि एक साइड कंप्लीट हो चुकी है, अभी दूसरे साइड देख दो जो थोड़ा बहुत वायर जो कि ऊपर भी फंसा हुआ रहता है तो उसको जो कि आपको सिंपल सा जो कि सेफ्टी वेयर के बीच में लाना है। लाने का जो लकड़ी है ना इसके मदद से इसे दो तीन बार आपको खींचना है तो ये ऑटोमेटिक जो कि सब के सब गड्ढे के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 32 वायर है तो ये इजीली चला जाता है एंड कुछ वायर ऊपर रहता है उसको दोस्तों आपको लकड़ी की मदद से डालना है तो हो जाता है। देख सकते हो जो कि कंप्लीट हो चुका है दूसरा साइड, उसके अंदर अभी हम लकड़ी डाल रहे हैं, सेफ्टी पेपर भी डाल दिए हैं। अभी दोस्तों हमारा जो कि दो सेट मतलब दो कॉयल कंप्लीट है, अभी नेक्स्ट कॉयल का बारी है यानी तीसरा कॉयल की बारी है। तो सबसे पहले दूसरा कॉयल कंप्लीट करने के इसको थोड़ा सेव करते हैं। सेप का मतलब दोस्तों फिनिशिंग है, वाइंडिंग में यदि जितना फिनिशिंग करोगे उतना जो कि आपका मोटर परफॉर्मेंस देगा एंड फिटिंग करने में मदद होगा, नहीं तो फिटिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो यहाँ पर थोड़ा इसको हम सेफ्टी मतलब जो कि थोड़ा इधर उधर चिपटा कर लिया हूँ इसको दोस्तों। अभी नेक्स्ट कॉल का वार ये देखो, हमारा एंडिंग वाला वार जो कि राइट हैंड की तरफ निकला जो कि लिफ्ट है नेक्स्ट कॉल के अंदर, वो वाला वार आप थोड़ा देखिए। सबसे पहले ये इसके अंदर हम सेफ्टी पेपर डाल रहे हैं, देख तो इसको दोस्तों ऐसे आपको राइट वाला वायर जो कि आपको लेफ्ट वाला के वायर मतलब लेफ्ट वाला गड्ढे के अंदर आना चाहिए कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो आप शायद से फोकस किए होंगे या फिर नेक्स्ट जो कि कॉइल डालेंगे तब हम आपको समझा देंगे। अभी दोस्तों जो कि वायर को थोड़ा इसे मतलब चिपटा कर लेना है, चिपटा करने का जो कि गड्ढे के अंदर इसे आपको डालना है। तो आप यदि जितना ज़्यादा चिपटा करोगे उतना जो कि मतलब गड्ढे के अंदर ईजिली चला जाएगा, यदि चिपटा करने में थोड़ा भी गलती होगा तो वायर जो कि आधा जाएगा या फिर एक भी वायर जो कि गड्ढे के अंदर नहीं जाएगा, सब ऊपर ही रह जाएगा। आपको बाद में जो कि लकड़ी की मदद से इसको दबाना पड़ेगा। तो जैसे हम जो कि दबा रहे जो कि लगभग आधा चला गया और आधा जो कि ऊपर है एंड इसलिए आधा को जो कि हम लकड़ी की मदद से इसके अंदर डाल रहे हैं। हम थोड़ा सेफ्टी वे का भी कम यूज़ किया क्योंकि वीडियो के बनाने मतलब वीडियो के अंदर ध्यान देते देते जो कि थोड़ा इधर उधर जो कि हो जाता है। तो यहाँ पर जो कि थोड़ा बहुत वायर जो कि ऊपर फंसा हुआ है इसको हम डाल देंगे तो एक साइड कंप्लीट हो जाएगा। तो लकड़ी की मदद से दो कि इसे आपको खींच लेना है। पेपर के अंदर यदि आपका वायर है तो जितने भी खींचने से वायर का जो है इंसुलेशन क्रैक नहीं होगा। यदि पेपर से बाहर है स्लड के ऊपर है जो कि लोहा है, लोहा के ऊपर वायर टच है तो क्रैक होता है इसका इंसुलेशन यानी जो कि इसका ऊपर का जो कि पन्नी वगैरह। तो अभी दोस्तों एक साइड कंप्लीट हो चुका है, इसके अंदर भी हम सेफ्टी पेपर एंड जो कि स्टिक डाल देंगे तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा एक साइड। यहाँ पे देख सकते हो जो कि सब वायर चला गया है। अभी जो कि स्टिक दोस्तों उतना जो कि आसानी से नहीं जा पाता है तो आपको कॉइल को थोड़ा स्टिक के ऊपर जो कि जो लकड़ी के ऊपर थोड़ा आपको इसे दबाना है पट्टी की मदद से तो जो कि फाँका हो जाएगा ऑटोमेटिक, जैसे कि हम यहाँ पर दबा रहे एंड ऐसे आपको दोस्तों धक्का लगाना है तो जो कि अपने आप चला जाएगा अपने जगह पर। थोड़ा आपको ये भी ध्यान देना होगा थोड़ा इधर उधर जो कि एकदम बराबर रखना है स्टिक को एंड नेक्स्ट साइड दोस्तों देख सको जो कि वायर थोड़ा फंसा हुआ है ऊपर, तो इस सबको वायर को दोस्तों अभी हम जो कि सबसे पहले ला रहे पेपर के अंदर, पेपर के अंदर लाने के बाद ही दोस्तों हम इसको खींचेंगे क्योंकि पेपर के अंदर यदि नहीं लाएंगे तो ये गड्ढे के अंदर नहीं जा पाएगा एंड इसके इंसुलेशन भी क्रैक हो सकता है। तो सबसे पहले जो कि इसके अंदर अभी हम डाल रहे हैं तो ये जो कि अपने आप चला जाएगा एंड वाइंडिंग करते समय दोस्तों आपको ये सेफ्टी वायर का यूज़ 100% करना चाहिए, नहीं तो आपको जो कि वाइंडिंग करना आप वाइंडिंग कर दी और लास्ट में देखोगे तो आपका कहीं ना कहीं से वायर जो कि लीक हो चुका है। तो ये थोड़ा आपको सेफ्टी मतलब जो कि सेफ्टी वायर यूज़ करना चाहिए। अभी दोस्तों इसके अंदर जो कि स्टिक डाल देंगे तो हमारा जो कि तीसरा कॉइल भी सेटअप मतलब कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा कॉइल दोस्तों जो कि हमारा राइट हैंड की तरफ जो कि चपटा होगा बट हम दोस्तों लेफ्ट हैंड की तरफ भी इसको चपटा करके रखें। चौथा कॉइल डालने के बाद ही दोस्तों जो क्या करेंगे दो वायर मतलब दो कॉइल लेफ्ट हैंड दो कॉइल राइट हैंड की तरफ हम इसको बैंड कर देंगे। अभी नेक्स्ट जो कि इसका बगल वाला जो गड्ढा है ना उसके अंदर आपको सेफ्टी पेपर डालना है। यदि आप गिनती करोगे तब भी दोस्तों आपका 1 से 10 वाला पीच आ जाएगा, ठीक है। तो यदि गिनती नहीं करो तो आप बगल में डाल दोगे तब भी आपका जो कि काम बन जाएगा। तो दोस्तों मिट्टी से थोड़ा मतलब कि टेबल से थोड़ा ऊंचा कर दिया हूँ क्योंकि टेबल जो कि इसको घुमा रहे थे तब जो कि वायर हमारा नीचे अटक रहा था, तो अटकने से पहले जो कि हमने इसको ऊपर ला दिया हूँ नहीं तो आपका हमारा वायर जो कि स्क्रैच भी हो सकता था। तो दोस्तों नेक्स्ट वायर देख सकते हो जो कि हमारा एंडिंग वाला वायर, इसको आप देखिए जो कि राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ ही आया है। तो आप थोड़ा ध्यान दे के देखिए ये वाला जो एंडिंग वाला वायर राइट हैंड पे निकला था अभी दोस्तों लेफ्ट हैंड की तरफ ही गया है ये वाला, मैं आपको थोड़ा एरो के थ्रू भी समझा दिया हूँ। तो अभी दोस्तों नेक्स्ट जो कि इसको कॉइल को अभी इसके अंदर डाल देंगे तो हमारा जो कि एक कॉइल मतलब जो कि कंप्लीट हो जाएगा। तो सिंपल से जो कि पतला करके इसके अंदर इसे मतलब जो कि धक्का मारना है तो ये ऑटोमेटिक
मतलब ऑटोमेटिक तो नहीं जाएगा बट आपके मदद से जो कि हाथ की मदद से ये ऑटोमेटिक चला जाएगा। और नेक्स्ट दोस्तों वायर जो कि बहुत ही जो कि कोर से ऊपर है तो थोड़ा थोड़ा करते इसके अंदर डाल देंगे तो ये आसानी से चला जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसको करते हैं। यानी दोस्तों कनेक्शन वगैरह भी हम आपको पूरा प्रॉपरली समझाएंगे तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। कनेक्शन उतना भी आसान नहीं है, एकदम ईजी, सबसे ज़्यादा ईजी कनेक्शन दोस्तों समर्सिबल मोटर के अंदर ही है। थ्री फेज का जितने भी मोटर है ना, सबसे ज़्यादा आसान जो कि समर्सिबल का ही होता है। एंड अदर्स जो कि ऊपर का जो मोटर है जो वो क्रेशर मिल में या फिर अदर्स जगह में यूज़ होता है थ्री फेज का मोटर, उसका थोड़ा टफ रहता है। तो अभी दोस्तों इसके अंदर जो कि कर देते हैं, जो कि जितने भी बार ना सबको डाल देते हैं तो कंप्लीट हो जाएगा एक साइड। एंड नेक्स्ट साइड दोस्तों हम वैसे नेक्स्ट साइड भी डाल देंगे तो हमारा एक कॉइल जो कि कंप्लीट हो जाएगा। एक कॉइल कंप्लीट दोस्तों इसका जैसे ही जो कि चार चार वाला एक एक सेट आता है जो कि, और दो सेट डालने के बाद जो कि हमारा वाइंडिंग कंप्लीट हो जाएगा। देख सकते हो दोस्तों एक साइड मतलब एक सेट डालने का दो, हमने दो कॉइल जो कि लेफ्ट हैंड एंड दो कॉइल राइट हैंड की तरफ उससे हम चिपटा कर दिया हूँ। चिपटा करने के बाद दोस्तों अभी नेक्स्ट कॉइल का बारी है। नेक्स्ट कॉइल दोस्तों डालने से पहले आपको किसी भी गड्ढे से आपको शुरू कर सकते हो तो आपको ज़्यादा बेटर होगा। इसका जो कि गड्ढे के लेफ्ट हैंड वाला जो कि गड्ढा है यहाँ से आप शुरू करोगे तो आपको बेटर होगा सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों आपको एक से आठ जो कि दस वाला गड्ढा जो कि गिनती करना है। गिनती करोगे तो उधर का जो कि जो आपके चार गड्ढा है यानी यहाँ से भी चार गड्ढा छोड़ के नेक्स्ट गड्ढे के अंदर ही आपका आएगा, क्योंकि चार गड्ढा जो छोड़ दिए वो वाला दोस्तों नेक्स्ट जो कि हमारा कॉइल है ना वो ही डलेगा। ठीक है, अभी दोस्तों नेक्स्ट वाला जो कॉइल का मतलब जो कि नेक्स्ट वाला जो कॉइल है ना इसको अभी हमें डालेंगे। तो इसको भी डालने से पहले जो कि हमें लेफ्ट हैंड की तरफ इसका जो कि वायर देखना जरूरी है, जैसे कि हम वो वाला में जैसे हम बताए थे जो फर्स्ट वाला कॉइल डाले थे। जैसे यदि आप राइट हैंड की तरफ डालोगे तो आपका जो कि थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों इसे हम कॉइल को थोड़ा चिपटा करेंगे। चिपटा करने का दोस्तों इसे हम मतलब धक्का मारेंगे तो ये ऑटोमेटिक इजीली जो कि गड्ढे के अंदर धीरे धीरे करते हुए चला जाएगा। देख सकते हो जैसे कि अभी हम जा रहा है कॉइल, एंड उतना भी दोस्तों आसानी से नहीं जाएगा, आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि समर्सिबल है इसका नाम, तो मेहनत तो बनता है, तो मेहनत करेंगे तो ये हो जाएगा। ये दोस्तों फर्स्ट टाइम फर्स्ट यदि आप करोगे तो थोड़ा जो कि आपको मेहनत मतलब जो कि प्रॉब्लम क्रिएट होगा, बट आप कोशिश करना तो आपका काम बन जाएगा। हार बिल्कुल भी मत मारना क्योंकि फर्स्ट करोगे तो आपको तकलीफ बहुत ही ज़्यादा होगा, तो फर्स्ट यदि नहीं करोगे तो तकलीफ थोड़ा कम होगा। ठीक है, तो इसके अंदर जितने भी वायर ना सब अभी हम डाल देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा जो कि एक साइड। तो यहाँ पे देख सकते हो जो कि इसके अंदर हम एक सेट ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया हूँ। अभी नेक्स्ट सेट आपको हम प्रॉपरली दिखाते हैं नेक्स्ट कॉइल। तो उसका जो बगल वाला गड्ढा है ना उसके अंदर यदि गिनती करोगे तब भी आपका 112 पीछे आएगा, यदि गिनती नहीं करोगे तब भी जो कि 112 उसके अंदर जो बगल वाला गड्ढा है ना उसके अंदर डालना। नेक्स्ट कॉल उसके बगल वाले, नेक्स्ट कॉल उसके बगल वाले डालने से हमारा जो कि दूसरा सेट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें दोस्तों जो कि दूसरा सेट हमें थोड़ा बांधा हुआ रहता है कॉइल यदि उलझ ना जाए तो इसको दोस्तों इसे आपको चिपटा करना है। चिपटा करने के बाद ये दोस्तों एंडिंग वाला वायर जो कि हमारा लेफ्ट हैंड की तरफ अभी जा रहा है राइट हैंड से। तो अभी दोस्तों इसके अंदर जो जितने भी वायर ना सब थोड़ा मतलब थोड़ा वीडियो को दोस्तों फास्ट फॉरवर्ड कर दिया हूँ क्योंकि वीडियो का लेंथ में दोस्तों कम रखना चाहता हूँ एंड इन्फॉर्मेशन फुल देना चाहता हूँ, तो इसलिए। तो सबसे पहले अभी दोस्तों इसके साथ जो कि एक साइड अभी इजीली चला जाएगा तो जो लकड़ी है ना इसके मदद से हम इसको यूज़ कर रहे हैं। एंड लकड़ी दोस्तों हमें मार्केट में नहीं मिला तो हमें दोस्तों अपना खुद का जो कि बांस का पेड़ से इसको बनाया हूँ। तो कैसे बनाऊँ एक छोटा सा वीडियो भी है चैनल पर, आप चाहे तो जाकर देख सकते हो या फिर उसका लिंक हो सके तो मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो इसको दोस्तों अब इसके डाल दीजिए तो कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक मुझे जो कि मिलता है मार्केट में ये वाला लकड़ी, तो ये दोस्तों जो कि गड्ढे के अंदर चला गया। अभी दोस्तों इसके अंदर जो कि लकड़ी डाल देंगे, पैकिंग पेपर भी डाल दिया हूँ एंड जो किसी किसी में मैं नहीं डाला हूँ क्योंकि पैकिंग पेपर डालने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, तो मैं क्या किया हूँ पैकिंग पेपर को नहीं डाला हूँ। जैसे कंपनी की जैसे किया वैसे ही मैं इसको स्टिक को डाल दिया हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसका कोर का लेंथ दोस्तों बहुत ही ज़्यादा लंबा है, लगभग जो कि 9 इंच 10 इंच तक है इसका कोर का लेंथ। तो इसलिए जो कि हमने इसके अंदर सेफ्टी पेपर किसी किसी में नहीं मतलब जो कि पैकिंग पेपर किसी किसी में नहीं डाला हूँ। अभी दोस्तों जो कि दूसरा साइड देख सकते हो तो कुछ वायर जो कि पेपर से थोड़ा बाहर हो चुका है, तो उस पेपर के अंदर जितने वायर है सबको इसके अंदर डालेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जो कि थोड़ा ही मेहनत करोगे तो जो कि सब वायर ऑटोमेटिकली गड्ढे के अंदर आ जाता है। यहाँ पे देख सकते हो अभी हम जस्ट एक एक कॉइल को दोस्तों हम डाल रहे हैं, आधा घंटा लग रहा है क्योंकि मैं फुल डे इसके अंदर काम नहीं कर पाया हूँ क्योंकि अदर्स काम भी आ जाता है दुकान का, तो वो भी देखना पड़ता है। उसको देखते देखते इसको सॉल्व किया हूँ, जो कि मुझे 1.5 दिन लगा इसको कंप्लीट करने में, मतलब जो कि A to Z करने में। तो दोस्तों नेक्स्ट सेट जो कि कंप्लीट हो चुका है। अभी इसके अंदर दो जैसे हम पैकिंग सेफ्टी वायर बाहर निकालो एक दो वायर ऊपर आ जाता है तो उसको सिंपल से लकड़ी में से डालना है। इसके अंदर ये देखो सेफ्टी वायर कटिंग करके इसके अंदर अभी फिटिंग मतलब अटैच कर देंगे, उसका जो कि इसके अंदर स्टिक डाल देंगे तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देख सकते हो इजीली कंप्लीट हो रहा है। और हाँ दोस्तों आप यदि इसी टाइप से वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। तो
दोस्तों जो कि स्टिक यदि नहीं जा रहा है तो आप ऐसी मदद से आप जो कि हथौड़े की मदद से इसे थोड़ा थोड़ा दबाइए तो कि आपका जो कि बीच में जो बांस का लकड़ी है वो ऑटोमेटिक चला जाएगा। एंड नेक्स्ट दोस्तों इसका जो बगल वाला गड्ढा है ना उसके अंदर ही आपको इसको डालना है पेपर को, तो आपका जो कि कंप्लीट हो जाएगा जो कि तीसरा कॉइल। देख सकते हो आप गिनती भी कर सकते हो जो कि आपका 1 से 12 वाला पीच आएगा जो कि उल्टा साइड से आपको गिनती करना पड़ेगा। तो अभी दोस्तों इसको जो कि कॉइल को इसे चिपटा कर लेते हैं हम, और भी दोस्तों चिपटा होता बट हम जो दोस्तों जो कि वीडियो के टाइम में एंड घबराहट सा हो रहा था हमें फीलिंग, तो इसलिए जो कि उतना चपटा भी नहीं कर पा रहे थे, मतलब जो कि इस फटाफट जो कि इसको ख़त्म करना है तो फटाफट पकड़ा और डालना शुरू कर दिया, फटाफट नेक्स्ट कॉइल बनाया और डालना शुरू कर दिया। तो दोस्तों अभी जो कि ये जा रहा है नेक्स्ट, मतलब जो कि तीसरा कॉइल 2 सेट का, तो तीसरा कॉइल अभी जा रहा है, जाने देते हैं। एंड उसके बाद दोस्तों इसके अंदर जो वायर है इसको अभी लकड़ी की मदद से डाल देंगे तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देखते हो बहुत इजीली जो कि जा रहा है। एंड अभी दोस्तों जो बांस का लकड़ी है ना इसके मदद से जो कि थोड़ा बहुत और हमेशा मतलब जो कि बाहर ही रह जाता है, देखते हो दोस्तों बहुत ही जो कि आसानी से चला गया, तो सेफ्टी पेपर अभी हम बाहर निकाल देंगे। ये दोस्तों हम जो कि आसानी से डाला हूँ तो आसानी से चला गया है। यदि हम दोस्तों इसको उलझ के मतलब जो कि कॉयल को पतला करके नहीं डालते तो जो कि उलझ जाता है एंड कॉयल जो वायर दोस्तों बाहर आ जाता है एंड एक के ऊपर एक आ जाता तब भी दोस्तों ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एंड सिंगल फेस का दोस्तों और भी ज़्यादा आसान है, 3 फेस से बेटर है क्योंकि सिंगल फेस, क्योंकि उसके अंदर इतना ज़्यादा वायर नहीं लगता है एंड इतना मोटा मोटा वायर भी नहीं लगता है, पतला वायर लगता है एंड बहुत ही आसानी से हो जाता है एंड उसका कोर का लेंथ भी बहुत ही कम रहता है इसके अंदर, जैसे कोर का लेंथ बहुत ही बड़ा है लगभग दोस्तों 11-12 इंच है, मैं दोस्तों उसमें परफेक्टली नापा नहीं हूँ इसलिए मैं आपको परफेक्टली नहीं भी बता पा रहा हूँ। तभी दोस्तों जो जितने भी वायर सबको जो कि अभी थोड़ा बहुत ऊपर फंसा हुआ है इसको हम डाल देते हैं तो हमारा जो कि दूसरा सेट कंप्लीट हो जाएगा। और हाँ दोस्तों ऐसे ही दोस्तों तीसरा सेट डालना है तो हम तीसरा सेट आपको नहीं दिखाएंगे, सिर्फ और सिर्फ दूसरा सेट ही दिखाएंगे क्योंकि सेम यही चीज़ है आपको डालना बार बार क्यों दिखाए, तो आपको हम कनेक्शन दिखाएंगे एंड इसको चेकिंग करने का तरीका दिखाएंगे, वो जो लेटेस्ट चीज़ है वही हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो अभी दोस्तों नेक्स्ट कॉइल का बार ये देखते हो, नेक्स्ट जो कि इसके उसका बगल वाला के अंदर आपको डाल देना है या फिर आप गिनती कर सकते हो उल्टी साइड से, जिस साइड आपका जो कि स्लट फाका है उस साइड, तो गिनती करोगे तब भी दोस्तों आपका 1 से 10 वाला पिच आ जाएगा। अभी दोस्तों नेक्स्ट कॉइल हम डालेंगे जो कि तीनों कॉइल को दोस्तों हमने एक ही तरफ जो कि बैंड किया हूँ, अभी इसको डालने का दोस्तों दो तरफ कर दूंगा, 2 कॉइल उधर 10-12 एंड 2 कॉइल इधर 10-12, ठीक है। अभी दोस्तों इसको जो कि बांधा हुआ इसको खोलेंगे, खोलने का दोस्तों थोड़ा सेफ्टी मतलब चेप्टा करेंगे, चेप्टा करने का दोस्तों हम इसे इसको डाल देंगे तो ये इजीली चला जाएगा, उतना भी मुश्किल का मतलब मुश्किल नहीं है। और हाँ दोस्तों आप जो कि समर्सेबल मोटर वाइंडिंग कर रहे हो तो समर्सेबल वायर जो थोड़ा ब्रांडेड वाला यूज़ करना तो बेटर है क्योंकि इसके अंदर दोस्तों जो कि इंसुलेशन वीक रहता है, किसी किसी में जो वीक रहता है वो वाइंडिंग करते समय ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ऑटोमेटिक जो कि बॉडी शॉट बता देता है, ठीक है। एंड इसको दोस्तों चेक करने का जो कि तरीका है मेगर है, मेगर के थ्रू इजीली चेक करोगे, मेगर जो कि ऑनली 2500 में मिल जाएगा यदि आप बढ़िया वाला ले रहे हो तो, एंड लोकल वाला जो कि 1500 में भी मिल जाता है यदि आप ले रहे हो लोकल वाला, तो मेरे हिसाब से बढ़िया वाला लेना तो एक बार इन्वेस्टमेंट है बट ज़्यादा दिन तक चल जाता है। जैसे मेरे पास है, मैं एक बार इन्वेस्ट किया हूँ जो कि 2500 में लिया जो कि 1 साल हो चुका है, अभी भी सही मतलब काम कर रहा है। अरे दोस्तों जो जितने भी बार ना सबको हम लकड़ी की मदद से इसके अंदर डाल रहे हैं। एंड मल्टीमीटर दोस्तों वो भी आप बढ़िया वाला लेना क्योंकि मल्टीमीटर मेरे पास घटिया वाला मतलब लोकल वाला है 350 वाला जो कि बार बार ख़राब हो रहा है, अभी जो कि नया ही मतलब बेटर क्वालिटी का भी लूँगा जो कि 1000 रुपये में मिल जाएगा, बेटर क्वालिटी वाला जो कि मिनिमम जो कि 2-3 साल चलता है वो वाला। तो इन दोस्तों इसके अंदर जितने भी वायर सबको हम डाल देंगे तो हमारा जो कि 2 सेट का मतलब जो कि दूसरा सेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ा बहुत वायर जो कि बाहर जो कि फंसा हुआ है ये लकड़ी की वजह से हम थोड़ा थोड़ा धक्का लगाएंगे तो हमारा जो कि कंप्लीट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हो गया है। अभी हम जो कि इसके अंदर सेफ्टी पेपर डाल देंगे एंड पैकिंग पेपर डाल देंगे तो हमारा 2 सेट भी कंप्लीट हो जाएगा, एकदम आसान है दोस्तों, उतना भी मुश्किल नहीं है। इसको जैसे फिनिशिंग कैसे करना है वो भी हम दिखाएंगे, एकदम ज़बरदस्त फिनिशिंग इसको फाइनल में हो गया है तो हो चुका था जैसे कि हम दिखाएंगे आपको। तो यहाँ दोस्तों इसका सेफ्टी पेपर बाहर निकाल लेते हैं, सेफ्टी पेपर का बस इतना ही काम है जितने भी वायर ना सबको गड्ढे के अंदर डालना है, तो डल गया सब वायर तो सेफ्टी पेपर का काम भी खत्म है, उसको और कोई काम नहीं है। अरे दोस्तों इसके अंदर पैकिंग पेपर डाल दिए हैं, इसके बाद इसके अंदर स्टिक है ना उसको भी हम डाल देंगे तो हमारा जो कि कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो जो कि पुराना वाला जो कि स्टिक था ना सबको दोस्तों आसानी से मतलब अच्छे तरीके से उसको निकाला हूँ, तो पुराना वाला यूज़ मतलब इसके अंदर यूज़ करो एंड जो टूट चुका है उसको हम नए वाला इसके अंदर यूज़ करेंगे, तो कुछ वायर जो कि कुछ स्टिक टूट चुका है तो कुछ को हम नया वाला इसके अंदर डालेंगे। तो हमें दोस्तों फाइनली जो कि कंप्लीट हो चुका है हमारा दूसरा सेट। अभी यहाँ पे दोस्तों देखते हैं इधर 4 गड्ढा है एंड ऊपर की तरफ भी 4 गड्ढा है। अभी दोस्तों नेक्स्ट कॉइल जो कि लास्ट कॉइल इसके अंदर डलेगा तो लास्ट कॉइल हम दोस्तों नहीं आपको दिखाएंगे, सेम इसको जैसे डाला है ना उसको भी वैसे ही डालेंगे, मतलब डलेगा वो वाला। आप गिनती कर सकते हो 1 से 10 किसी भी गड्ढे से, जैसे ये वाला जो बगल वाला गड्ढा है ना नेक्स्ट कॉइल का
इसी से आप शुरू कर सकते हो, जो कि आपका एक से दस वाला गड्ढा आएगा उसके अंदर आपको डाल लाना है एक से दस, उसके बाद एक से बारह, एक से दस। ठीक है, अभी दोस्तों हम इसको चेक करेंगे जो कि समर्सिबल मोटर को दो कॉइल डालने के बाद सही से ये मतलब वाइंडिंग हुआ है यानी कहीं से लीकेज तो नहीं है। तो चेक करने के लिए दोस्तों एक वायर आपको सिंपल सा पानी के अंदर डाल देना है और एक जो कि वायर आपको जितनी वायर ना सबकी जो मुंडी को छीलने का तो वहाँ पर अटैचमेंट कर देना है। तो उसके बाद दोस्तों इसका जो मेगर का बटन है इसको प्रेस करना है, तो इसका कांटा जो कि जीरो में मतलब इसका जो कि इंसुलेशन हैवी दिखाना चाहिए जो कि 2000 दिखाना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों जो कि इसका इंसुलेशन हैवी है, मैं आपको इसको सबसे पहले चेक किया हूँ जो कैमरे के अंदर दोस्तों उतना फोकस नहीं है, मैं फिर भी आपको थोड़ा फोकस ला के दोबारा से दिखा देता हूँ। बटन प्रेस करोगे तो ये जो कि ऑटोमेटिक जो कांटा है नीचे की तरफ आना चाहिए जो कि नीचे की तरफ आ रहा है यानी वाइंडिंग जो कि हमारा सही है। वीडियो यदि अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, इसी टाइप से वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि आपको इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड मोटर वाइंडिंग के रिलेटेड वीडियो हमेशा मिलता रहेगा। सो यहाँ पे दोस्तों ऑलरेडी हमने एक सेट अभी डाल दिया हूँ, यहाँ पे देख सकते हो आगे का व्यू बहुत ज़्यादा बिखर चुका हुआ है, बट कोई बात नहीं हम इसको अभी सुलझाएंगे। ठीक है, पीछे का साइड देखिए, अभी पीछे का साइड दोस्तों अभी हम बांधेंगे, यहाँ पे थोड़ा फिनिशिंग कर दिया हूँ, कैसे फिनिशिंग किया हुआ अभी हम आपको दिखाएंगे। तो फिनिशिंग करने का दोस्तों पीछे का साइड हमने ऑलरेडी बांध दिया हूँ कंप्लीट। अब दोस्तों फाइनल चेकिंग करेंगे तो फिनिशिंग कैसे किया हूँ देख सकते हो इस टाइप से, इसके अंदर एक मोटा सा बांस डाल देना है गड्ढे के अंदर, उसको ऐसे हैमर की मदद से ऐसे प्लास्टिक का हैमर दोस्तों मार्केट में मिल जाता है जो कि 250-300 में आपको ईजिली मिल जाएगा, तो उसको जैसे थोड़ा बार वायर जो इधर उधर बिखर चुके इसको आपको ऐसे सेफ्टी की तरफ दबाना है एंड हैमर की मदद से दोस्तों आपको इसे चारों वायर से दबाना है। तो आपको दोस्तों ये ऑलरेडी ऑटोमेटिक पतला हो जाएगा आपका वायर, जितने भी वायर इधर उधर गया है वो सब वायर। तो सिंपल से इसको बांस को इसके अंदर डाल दिया, अब इसको दोस्तों इसे दबा देता हूँ तो कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों इसको दोबारा से हम चेक करेंगे तो यहाँ पे इसका जो वायर है ना हेड है ना इसको हम छिलेंगे। ठीक है, सब के सब हेड को छिलेंगे और दोस्तों एक जगह पे जॉइंट करेंगे, करने के बाद हम वहाँ पे मेगर का एक वायर इसको इसके अंदर अटैच करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों छिलने के बाद सबको एक जगह पे कर दिया हूँ वायर। अभी दोस्तों इसका हम क्या करेंगे, दोबारा से कूलर के अंदर ही पानी है हमारे अवेलेबल उसके अंदर इसको डालेंगे, डालने के बाद इसको चेक करेंगे। तो इसको सिंपल सा कूलर के अंदर डाल देते हैं, डालेंगे दोस्तों मेगर के थ्रू दोबारा से चेक करेंगे, कैसे करेंगे अभी हम आपको प्रॉपरली HD व्यू में दिखाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लाते हैं हमारा मेगर, मेगर का जो कि हज़ारों ओम्स का है दोस्तों, ये मेगर जो कि ओम्स को चेक करता है। तो ठीक है, तो अभी ये रहा हमारा जो कि मेगर जो कि 2500 वाला, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो ये है हमारा मीटर। तो अभी हम चलते हैं उसके अंदर मतलब जो कि कूलर के अंदर, वहाँ पे मोटर रखा हुआ है इसको हम चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों एक वायर जो कि एक क्लिप पानी के अंदर डुबा देना है, एक क्लिप जो कि आपको जितने भी वायर ना सबका हेड को दबाना है मतलब लगा लेना है, कोई भी हेड का मतलब जो कि एंड वाला सिरा जो कि पानी के अंदर नहीं डूबा होना चाहिए। तो सिंपल सा बटन को प्रेस करते हैं, देख सकते हो तो कांटा फुल की तरफ उठ रहा है, उठने के बाद दोस्तों ऑटोमेटिक जो कि हमारा 2000 ओम्स में आ गया यानी जो कि वाइंडिंग हमारा सही है, मतलब इंसुलेशन एकदम परफेक्ट है। ये दोस्तों इंसुलेशन जो बताता है मतलब जो कि कहीं से इंसुलेशन लीकेज है या नहीं, तो इंसुलेशन जो कि एकदम बढ़िया है तो वाइंडिंग जो कि ओके है। तो इसके अंदर दोस्तों जो वायर है ना इसको थोड़ा हम पानी के अंदर डुबाएंगे क्योंकि कभी कभी इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी चार्ज रह जाता है, तो उसको वो चार्ज जो कि ऑटोमेटिक डिस्चार्ज आपको करना पड़ेगा, जब डिस्चार्ज नहीं करोगे तो आपको थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो चलिए अभी हम इसको मतलब इसका कनेक्शन करेंगे, किस टाइप से इसका कनेक्शन होगा, वायरिंग होगा। तो सिंपल सा दोस्तों ये रहा इसका वायर, तो आपको हमें जो कि इसको सब वायर दोस्तों आपको सीधा कर लेना है, तो आपको दोस्तों आमने सामने वाला वायर के साथ कंटिन्यूटी आमने सामने आएगा। यहाँ पे दोस्तों टोटल 6 वायर है, देख सकते हो 6 कोने में 6 वायर मिलेगा। ठीक है, जिसके साथ जिसका आमने सामने आएगा उसके साथ उसका कंटिन्यूटी बताएगा। ठीक है, तो अभी आप दोस्तों कौन सा भी एक, सबसे पहले मैं जो मल्टीमीटर है इसके थ्रू चेक कर लेते हैं किसके साथ किसका बता रहा है, जैसे कि इसके आमने सामने ये वाला कंटिन्यूटी बता रहा है यानी जो कि आमने सामने ही जो कि इसका वायरिंग रहता है। मैं आपको मल्टीमीटर से थोड़ा दिखा भी देता हूँ, तो इसके साथ ये कंटिन्यूटी बता रहे हैं, तो मीटर जो कि गिर चुका है, तो चलिए मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, मैं चेक करके जो कि एक्यूरेसी हो गया हूँ जो कि आमने सामने जो कि इसका वो है। ठीक है, अभी जो इसका कनेक्शन है एक को आपको पकड़ना है। ठीक है, एक के साथ एक को पकड़ना है, एक को छोड़ना है, एक को पकड़ना है, एक को छोड़ना है, एक को पकड़ना है, मतलब जो कि स्टार कनेक्शन को। ठीक है, जो कि त्रिभुज जो कि इसका वायर जॉइंट है, एक को जैसे इसको पकड़ा, इसको छोड़ा, इसको पकड़ा, तो एक को पकड़ना है, एक को छोड़ना है। ठीक है, इससे ही आपको कनेक्शन करना है, तो आपका जो कि स्टार कनेक्शन हो जाएगा। यदि आप देखोगे तो स्टार की जैसे ये दिख रहा है। ठीक है, जो कि त्रिभुज टाइप का या फिर तारा टाइप का दिख रहा है, इसलिए इसको स्टार कनेक्शन बोलते हैं। अभी तीनों वायर को दोस्तों अभी हम छिल लिया हूँ, छिलने का दोस्तों हमारा जो कि मेन जो लीड है इसको यहाँ पे जॉइन करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों 3 कलर का वायर है, आप चाहे तो कौन सा भी कलर कहीं पे भी लगा सकते हो एंड इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम दोस्तों इसका जो कि सबसे पहले जो वाला कॉइल डाला हूँ उसके अंदर ब्लू कलर का वायर लगा रहे हैं, उसके बाद जो कि नेक्स्ट कॉइल जो वाला डाला हूँ उसके अंदर हम येलो कलर का वायर लगाएंगे
एंड उसके बाद जो कि छोटा वाला कॉयल है ना, जो सबसे लास्ट में जो वाला डाला हूँ उसके अंदर जो कि हम रेड वाला वायर डालेंगे, ठीक है, मतलब जो कि ज्वाइन करेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं, वायर इधर उधर एक्सचेंज होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोटर जो कि जलेगा नहीं, ठीक है। तो अब तीनों के अंदर इसे लगा रहे। यदि अब जो स्टार जो कि हमने सामने ज्वाइन किया हो, मतलब जो कि एक को छोड़ा एक को पकड़ा ज्वाइन किया हो, ऐसे यदि ज्वाइंट नहीं करोगे तो आपका जो कि मोटर वाइंडिंग तो हो जाएगा, कंटिन्यूटी भी बताएगा, बट मोटर जो कि नहीं चलेगा, तो ये थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अभी दोस्तों इसके अंदर सोल्डरिंग करके वाटरप्रूफ टेप वगैरह सब कुछ अभी हम लगा देते, क्योंकि एकदम आसान है वाटरप्रूफ टेप लगाना। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो हमने जो कि वाटरप्रूफ टेप लगा दिया हूँ, ये रहा तीन जॉइंट को, ठीक है, पीछे का व्यू, एंड यहाँ पे जो कि देख सकते हो तीन जॉइंट को यहाँ पे लगा दिया हूँ, यानी जो कि सब वायर है ना इसको अच्छे से जो वाटरप्रूफ टेप लगा के यहाँ पे रख दिया हूँ। अभी दोस्तों हम इसको बांध देंगे, ठीक है। तो सिंपल सा बांधना तो एकदम आसान है, तो हम इसको बांध के आपको दिखाते हैं। देख सकते हो बांध कर दोस्तों इसको, इसके अंदर इसे हम लकड़ी की बांस का लकड़ी डाल लेंगे, इसको सेव कर दिया हूँ, उसके बाद बांधा हूँ। बांधने के बाद दोस्तों इसके अंदर ब्लैक टेप लिपटा दिया हूँ, ताकि इसके अंदर जो कि लंबा लंबा चार स्टड आएगा, स्टड डायरेक्ट वायर के ऊपर स्क्रैच ना आए या फिर वायर के ऊपर डायरेक्ट टच ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते दोस्तों वाइंडिंग जो कि हमारा फाइनली कंप्लीट हो चुका है। सो आपको दोस्तों इसी टाइप से मोटर वाइंडिंग के रिलेटेड या फिर इलेक्ट्रिक रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है मन में तो आप कर सकते हो इजीली। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।